चंडीगढ़ में हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। बैठक में प्रदेश के कई सरकारी और एडेड कॉलेज यूनियन भी मौजूद रहीं, जिसकी जानकारी बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कई यूनियनों की मांगों पर चर्चा की गई है और कई मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया है, कई मांगों को पूरा किया भी गया। इस दौरान उन्होंने कई मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि नई शिक्षा नीति को शुक्रवार को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक की जाएगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। शिक्षा मंत्री ने आज विभिन्न कर्मचारी यूनियन जो शिक्षा विभाग से जुड़ी उनके साथ बातचीत की है। मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। सर, क्या बातचीत हुई है? तमाम यूनियन जो शिक्षा विभाग से जुड़ी है वो आपकी अलग अलग डिमांड थी, समस्याएं थी, वो उन्होंने हमारे सामने रखी और हमारे अधिकारियों ने ज्यादातर समस्याओं का तुरंत उसी समय उनका समाधान कर दिया। कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में उन्होंने कुछ जिम्मेदारी अधिकारियों को लगा दी है और जल्दी उनका भी समाधान कर दें। कुछ ऐसी थी कि जो संभव नहीं थी तो उनके लिए उनको उसी समय इनकार भी कर दिया। सर, नई शिक्षा नीति को लागू हुए पूरा एक साल हो गया, 2030 तक का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा किस तरह से काम करे, कोई आने वाले दिनों में बैठक भी है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है हरियाणा की। कल माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में बैठक भी ले रहे हैं, इससे पहले भी दो बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं तो उस कार्य में लगे। और जो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया है कि हम इसको जहाँ हमें 2030 तक लागू करना हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहा हम 2025 तक इसको लागू कर देंगे, तो उस दिशा में पूरी लगन के साथ हमारे सभी अधिकारी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि तमाम जो शिक्षा विभाग से जुड़ी यूनियन है उनसे मुलाकात हुई है, उनकी मांगों पर गौर किया गया है, बातचीत हुई है। साथ ही नई शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल यानी शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, ये जानकारी भी कंवरपाल गुर्जर ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।